बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अरकम हाउस पब्लिक बॉयज़ हाई स्कूल क्लास 3, न्यू काउंटडाउन मैथमेटिक्स। आर पेज नंबर 1 इज़ पेज नंबर 1 पार्ट 1। फर्स्ट टॉपिक इज़ मैथ इन योर हेड। वर्क आउट द आंसर इन योर हेड, देन राइट इन द सर्कल। इट मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन इन योर हेड, हेड मीन्स इन योर माइंड, एंड सॉल्व दीज with the help of your copy, with your notebook, you can solve these questions. And after that, you write these answers in these circles. Our question number 1 is, what number comes before 190, 190? Before means 190 से पहले कौन सा number आता है, ये आपने अपने जहन में सोचना है। Okay students, या previous classes में पढ़ चुके हैं, अब सोचिए 190 से पहले कौन सा number आता है। Good, 190 से पहले हमारे पास आता है 189। दिस इज़ अवर आंसर एंड आई एम ऑल्सो राइटिंग दिस आंसर इन दिस सर्कल 189। नाउ आर क्वेश्चन नंबर 2 इज़ हाउ मैनी थ्रीज मेक 27। इट मीन्स इन द टेबल ऑफ 3 वेयर 27 स्टैंड्स। व्हेन वी रीड द टेबल इन योर माइंड, टेबल 3, वी नो एट द 9 प्लेस द नंबर 27 प्लेस। इट मीन्स 3 9s are 27। अवर आंसर इज 9। दिस आंसर इज ऑल्सो रिटन इन द सर्कल। अवर आंसर इज 9। नाउ वी कम्स हेयर ऑन क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मैनी आवर्स इन आर डे। आवर्स, आवर्स मीन्स घंटे। एक दिन में कितने घंटे होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यू नो हाउ मैनी आवर्स इन अ डे। देयर आर 24, there are 24 hours in a day. Okay, this answer is completed. Now we comes on question number 4. Which number comes next 95, 100, 105? Okay students, read in your mind what is the sequence in this series 95, 100, 105. If you specifically see this sequence, you understand that there is the difference 5 numbers in these 3 numbers. So our fourth number is 110. And now we comes at question number 5. Our question number 5 is 28 divided by 7. What is the meaning of divide? This symbol means divide. You also read in your previous classes divide. What is the operation of division? Okay, comes here and we do this question on your notebook. Our question number 5 is 28. This is divided from number 7. Now we read the table of 7 and going and check where is stand 28. 7 ones are 7, 7 twos are 14, and we know that 7 fours are 28, and the answer is 28. Take this answer and write in this circle. This is the answer of question number 5. Okay students, I hope you understand my old lecture. Now question number 6. 440 minus 90. In this symbol, in this question, we read this symbol. This symbol means minus. Minus means हमें 440 में से 90 को निकाल देना है। आप ये प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको ये क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ एक मरतबा। क्वेश्चन नंबर 6, 440, 0 एट वंस प्लेस, 4 एट टेंस प्लेस एंड 4 एट हंड्रेड प्लेस। हमें इसमें से माइनस करना है 90 को। 0 एट वंस प्लेस, 9 एट टेंस प्लेस, ये माइनस का सिंबल आ गया। नाउ वी कैन सब्ट्रैक्ट इट। जब हम जीरो में से ज़ीरो को माइनस करते हैं, वी गेट ज़ीरो हेयर। वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम 4, सो वी गेट टेक 1 फ्रॉम हेयर एज अ कैरी। आफ्टर दैट, जब हम 14 में से 9 को माइनस करेंगे, देन वी गेट 5। दिस इज 5 एंड रिमेनिंग नंबर इज हेयर 3। दिस इज 3, सो द आंसर इज 350. Okay students, quickly come from question here, question number 7. 100 more than 980.
100 मोर, मोर मीन्स 980 में मज़ीद आपने 100 को ऐड कर देना है. सो 980, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 7 क्लास. 980, 0 एट वंस प्लेस, 8 एट टेंस प्लेस एंड 9 एट 100 प्लेस. इसमें हम ऐड कर देंगे 100, 0, 0, 1. दिस इज़ द सिंबल ऑफ एडिशन. 0, 8, 9 एंड 1, 10 एंड द आंसर इज़ 1080. दिस इज़ आर आंसर. एंड द लास्ट क्वेश्चन क्लास, दिस इज़ हाउ मैनी व्हील्स ऑन 18 कार्स. 18 कार्स में कितने व्हील्स होते हैं? अगर हमें पता होगा कि एक कार में कितने व्हील्स होते हैं तो हम बआसानी पता लगा सकते हैं कि 18 कार्स में कितने व्हील्स होते हैं. एज वी नो वन कार हैज़ 4 व्हील्स. सो 18 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 एट्स आर 32, 2 एंड 3 इज़ हेयर, 4 वन्स आर 4 एंड 3 इज़ इक्वल टू 72. आवर आंसर इज़ 72. So 72 is our the answer of the question number 8. Okay class, page number 1 is completed. Allah Hafiz.